सिविल लाइन स्थित हीरापुरी कॉलोनी गेट पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एक बस ड्राइवर ने लापरवाही से बस चलाते हुए एक रिक्शे वाले और विश्वविद्यालय की शिक्षिका के कार को ठोकर मार दिया। बस की ठोकर से रिक्शा चालक के रिक्शे का पहिया टेढ़ा हो गया और शिक्षिका का कार क्षतिग्रस्त हो गया। बस ड्राइवर और कंडक्टर सवारी से भरा बस सड़क के किनारे खड़ा हुआ। दुर्घटना को देखते हुए आसपास के लोग और अन्य शिक्षिका इकट्ठा हो गए। शिक्षिका ने स्थानीय पुलिस को बुलाया और मानवता दिखाते हुए बस चालक को माफ कर दिया, लेकिन रिक्शा चालक के नुकसान की भरपाई करने को कहा। बस चालक द्वारा रिक्शा चालक शिवनाथ को 1,000 रुपये मुआवजे के तौर पर देना पड़ा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय की शिक्षिका अनुभूति दुबे और रिक्शा चालक शिवनाथ ने कहा, कहाँ मिला रहा है? 100 तो तुम्हारा पंजीकृत उड़ाया। भैया अपने रिकॉर्ड के लिए दोनों भागे नहीं थे तुम? इधर देखो इधर देखिए। ऐसा मिल गया शिवनाथ पासवान रिक्शा का कीमत जो बनवाई पैसा मिल गया 1,000 रुपया। बस ले आके मार दिया था ठोकर पीछे से, उसको बाद बैक किया बस वाले तो पीछे मारुति में भी लग गया था ठोकर, तो रिक्शा बनवाने के लिए 1,000 रुपया दे दिए हमको। कुछ नहीं, हम ये हीरापुरी कॉलोनी के गेट से निकल रहे थे तो एक रोडवेज बस वाले ने पहले आगे एक रिक्शे वाले को ठोका और फिर गाड़ी को बैक करके और अचानक से हमारी गाड़ी को ठोक दिया है। उससे मुझे चोट भी लगी है, पूरा दरवाजे सारे डैमेज हो गए हैं। वो बहुत फेटल हो सकता था क्योंकि रिक्शे वाले को भी उसने बुरी तरीके से, उसका भी रिक्शा डैमेज हुआ है, वो जानलेवा हो सकता था और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है जी। अब विभाग को अपनी तरफ से जो कार्यवाही करनी, हम तो जो कर सकते हैं, पुलिस बुला दिया है, जो कर सकते हैं वो कर दिया। बाकी विभाग को भी देखना चाहिए कि उनके ड्राइवर्स और वो बसें कैसे खड़ी होती हैं, क्या करती हैं। आए दिन तो रोडवेज के बारे में सुनने को मिलता ही रहता है, तो बहुत जानलेवा चीज़ है।